बचने के लिए प्रत्येक प्रकार के दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। हाल ही में चीन में कोरोना वायरस पर हुए रिसर्च से यह सामने आया है कि दोस्तों कोविड-19 जी हाँ कोविड-19 कई दिनों तक मानव मन में भी जीवित रह सकता है। अगर सर्वप्रथम हम इसके उद्भव की बात करें तो कोरोना वायरस के सर्वप्रथम लक्षण हमें दिसंबर 2019 को चीन के वुहान प्रांत में देखने को मिले। इसने चीन जैसे विकसित देश को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहां लाखों की तादाद में लोग मृत्यु का ग्रास बन गए। आज अमेरिका जैसी महाशक्ति जापान जैसे विकसित देश भी इसके समक्ष विवश दिखाई दे रहे हैं। आज हमारा भारत भी इस महामारी की चपेट में आ चुका है, परंतु हमारे चिकित्सक कड़ी मेहनत करके कड़े परिश्रम से इस महामारी से लड़ रहे हैं। सर्वप्रथम हमें इस महामारी के लक्षणों के विषय में जानना अति आवश्यक है। तो इस बीमारी के लक्षण इस प्रकार है, खांसी जुकाम बुखार इस बीमारी के महत्वपूर्ण लक्षण है, प्रमुख लक्षण है। इन लक्षणों से प्रभावित व्यक्ति हर समय यह नहीं समझ सकता कि उसे कोरोना वायरस है, परंतु इस लक्षण से प्रभावित व्यक्ति यदि किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया है जिसने हाल ही में कोरोना प्रभावित क्षेत्र की यात्रा की है, तो हाँ इन लक्षणों से प्रभावित व्यक्ति को कोरोना टेस्टिंग की आवश्यकता है। उसे कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि यह उसके स्वयं के लिए नहीं अपितु उसके आसपास के लोगों के लिए, उसके राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए कोरोना वायरस बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। अब हम कोरोना वायरस से कैसे बचाव किया जाए इस प्रश्न के ऊपर जाएंगे। बचाव की बात की जाए तो आज हमारे सामने इससे बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है। हमें सामाजिक दूरी अपनाकर ही इसे हराना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। प्रत्येक कार्य करने के पश्चात लगभग 20 सेकंड तक हमें साबुन से हाथ धोने पड़ेंगे। यदि आज हम इसके उपचार की बात करें तो ये एक लाइलाज बीमारी है, परंतु विश्व भर के वैज्ञानिक इसका समाधान ढूंढने में लगे हैं और अवश्य ही उनके प्रयत्न अवश्य सफल होंगे। आज हमारे लिए मेडिकल स्टाफ डॉक्टर नर्सिस भगवान से कम नहीं है। वे कोरोना पीड़ितों की सेवा कर उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे हमें उनके प्रयत्नों का सम्मान करना चाहिए। उनके प्रयत्नों का सम्मान करने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने घरों में रहना चाहिए। हमें उनके कार्य को नहीं बढ़ाना चाहिए। अब मैं आप सभी से यह कहना चाहती हूँ कि आज हमारा देश एक गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था को भी इसकी वजह से बहुत आघात लगा है। इसलिए हम सभी को अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आगे आना होगा। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार पीएम केयर फंड में दान करें। यह दान राष्ट्र निर्माण के काम आएगा। इसके साथ ही मैं आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घर में रहें और अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ।